नमस्कार दोस्तों, हम हमारी इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जेट एग्जाम 2022 के काउंसलिंग हो सकता है आज शाम से आपकी स्टार्ट हो जाए। साइट पर दिखा रहा है कि आपके तकरीबन आज ही शाम को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, तो देखना है कि यूनिवर्सिटी काउंसलिंग स्टार्ट करती है या नहीं करती। दोस्तों, जैसा कि शेड्यूल उन्होंने डाल दिया है तो उसके अंदाजे से लग रहा है कि आपकी काउंसलिंग आज ही प्रॉपरली पूरी तरीके से स्टार्ट हो जानी चाहिए। दोस्तों, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, सूचना प्रथम वर्ष कृषि स्नातक प्रवेश छात्रों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश समय निम्नलिखित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करें। दोस्तों, जो आपको काउंसलिंग के बाद जो कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो किस हिसाब से उनको रखना है, इसके बारे में दोस्तों हम हमारी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और जेट एग्जाम 2022 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग या अन्य कोई अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, आपको पहले सेकेंडरी की अंक तालिका, यानी आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट चाहिए, उसके बाद आपको OBC, MBC, EWS। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देखिए, EWS हेतु एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो, लेकिन दोस्तों शायद अब जो EWS वगैरह के जो सर्टिफिकेट होते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, उनकी शायद जो वैलिडिटी डेट है वो शायद बढ़ा करके 3 साल कर दी गई है। तो अब देख और उससे आगे देख सकते हैं आप, प्रयोजन प्रमाण पत्र माइग्रेशन जो आपको ये स्टूल के द्वारा मिलेगा, स्थानांतरित प्रमाण पत्र ये भी आपको कॉलेज से मिलने वाला है, जैसे TC वगैरह। जो गैप सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये गैप सर्टिफिकेट अगर आपने 12th के बाद 1 साल का गैप रखा है या उससे ज़्यादा गैप रखा है, तो वो आपको गैप सर्टिफिकेट आपको नोटरी से आपके नज़दीकी कार्य जो न्यायालय कार्यालय है, जैसे आपका सेशन कोर्ट रहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहा, यहाँ पर आप जाकर के नोटरी में इसे 150 रुपये में वकील से बनवा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मूल निवास रहा, उसके बाद आपका आधार कार्ड, अंडरटेकिंग रैगिंग, 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो, जेट वेरिफिकेशन, दो सेट अंगूठा फोटो हस्ताक्षर, फीस DD कैश एंड चलान ऑनलाइन, टोटल फीस 6000 जो भी दे रखे है दोस्तों, काउंसलिंग लेटर, सीट अलॉटमेंट, जो काउंसलिंग का लेटर आपको मिलेगा ना, तो अलॉटमेंट लेटर वो आपको चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी रखा गया है। दोस्तों, आप जैसा कि नीचे देख सकते हैं, उपयुक्त प्रमाण पत्रों के मूल का क्रमानुसार एक सेट और एक कॉपी के अनुसार 2 क्रमानुसार बना करके प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों, यहाँ जैसा कि यहाँ साफ साफ लिख रखा है, एक नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स दोस्तों, उनके सभी के मूल क्रमानुसार एक सेट व एक फोटोग्राफी के 2 सेट, जैसे जो भी ओरिजिनल है उनका आपको ऐसे ही क्रम वाइज एक सेट रखना है, और जो फोटोकॉपी है उनके 2-2 फोटोकॉपी ऐसे सेट वाइज आपको रख करके प्रवेश के समय प्रस्तुत करने हैं। दोस्तों, यही अपडेट थी, जैसे कि इसके रिगार्डिंग काउंसलिंग के रिगार्डिंग कैसे करनी है, आपकी काउंसलिंग कैसे करनी है, ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, सॉरी फिलिंग कैसे करनी है, इसके रिगार्डिंग जैसे कोई अपडेट आती है आपको सबसे पहले बता दी जाएगी। तो दोस्तों, अब तक इतना ही, आगे मिलते हैं नई वीडियो में, नई ऑफिशियल अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।